गोपालगंज में गंडक नदी के दबाव से राम जन्म की पथ टूट गया है। बैकुंठपुर प्रखंड के खेमहाड़ी में पुलिया के पास सड़क टूटने से उत्तर बिहार के कई जिलों का संपर्क टूट गया है। बुधवार की सुबह से ही पुल टूटने के बाद आवागमन ठप हो गया था। सड़क टूटने के बाद विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप केसरिया, सिवान, सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी से अलग हो गया। गोपालगंज से संपर्क टूट गया है इन तमाम जिलों का। वहीं सारण तटबंध पर भी पानी का दबाव बढ़ गया है। यदि तटबंध पर खतरा बढ़ा तो सारण जिला भी बाढ़ से प्रभावित हो जाएगा। बुधवार की शाम प्रशासन के अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। पुल निगम के टीम लीडर अभियंता अभय कुमार प्रभात की टीम घटनास्थल पर पहुँच के क्षति का आकलन किया है। वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पुल का निर्माण एवं 9.1 किलोमीटर फैजुल्लाहपुर से चंपारण के लाला छापर के बीच संपर्क पथ का निर्माण जून में ही पूरा किया था। 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के एक महीने के भीतर ही यह पुल टूट गया है और इस पुल और संपर्क पथ के निर्माण में 263.48 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। पुल के टूटने पर बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार का निशाना साधा तो सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव पर प्रोपगंडा फैलाने का आरोप लगाया है। 18 जून को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गोपालगंज में जो 70 घाट पुल है, जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया था। और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 8 साल लगे बनने में। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है, ये पैसे की रिकवरी कैसे होगी? बैकुंठपुर में राम जानकी पर टूटने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के नीतीश कुमार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बिहार के सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और नीतीश कुमार को यह दिख नहीं रहा है, न ही भारतीय जनता पार्टी जो उनकी सहयोगी दल है उसको भी यह दिख नहीं रहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। नहीं तो एक महीने के अंदर जब नीतीश कुमार खुद ही इस पुल का उद्घाटन किए और 263 करोड़ से बना यह पुल दह जाता है तो इसमें साफ जाहिर है कि कितना भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के इस चरम पर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी यादव के इस आरोप के बाद बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी यादव पर अटैकिंग मुद्रा में आ गई है। भ्रष्टाचार के युग पुरुष रहे आरजेडी के लोग झूठ और प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर राजनीति पर उतर आए हैं। 70 घाट पुल को कुछ नहीं हुआ है। 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर एक माइनर ब्रिज है जिसका अप्रोच रोड 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया बाढ़ की विभीषिका में, उससे बह गया है। अब ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि पुल टूट गया है। ये सवाल किस पर उठा रहे हैं? बिहार के वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर नंद किशोर यादव जी पे, जिनको बिहार में रोड रिवॉल्यूशन, सड़क क्रांति लाने का श्रेय जाता है। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है जिनका लक्ष्य है भ्रष्टाचार मुक्त विकास करना। और देखिए आरजेडी के लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा और झूठ न फैलाएं। गोपालगंज बांध को लेकर जो मिट्टी के कटाव या ज्यादा जल के डिस्चार्ज को लेकर के जो सवाल उठे हैं या ये गुणवत्ता की कमी को लेकर कहीं इस निर्माण में कहीं कोई कठिनाई आई है तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें समय आने पर स्पष्ट हो जाएगी। और जहाँ तक
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पुल पुलियों और महासेतु के जरिए राज्य का जो विकास किया है, इस तरह की अगर कोई बात हुई है तो निसंदेह इसकी जांच होगी और जांच से जो निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन इतनी बात तय है कि राजद के शोरगुल और कोहराम का कोई अर्थ नहीं है। पारदर्शिता और निष्पक्षता नीतीश कुमार जी की सरकार की USP है और इससे कोई समझौता इस राज्य में नहीं हो। बहरहाल राम जानकी पथ का संपर्क भंग हो गया है पूरे उत्तर बिहार के विभिन्न इलाकों से और इस सच्चाई को लेकर के बिहार में राजनीति जारी है। गोपालगंज से खुलासा के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट।